होगा। तो सबसे पहले एज यूजुअल, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे काफी सारे अल्कोहलिक बेवरेजेस के रिव्यू देखने के लिए, और साथ साथ में प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ऑलराइट, एंड इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज फर्स्ट थिंग इस वीडियो के एंड में मैं हमारे रीसेंट गिव अवे के विनर्स की अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। उसके साथ साथ आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा एक दारू तथ्य। ऑलराइट, सो चलो अब हम पढ़ते हैं रिव्यू की तरफ। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये खूबसूरत सी बॉटल है कैवो रम की, जिसे काबो भी कहते हैं, कैवो भी कहते हैं, कुछ भी कह लो, क्या फर्क पड़ता है। सो ये रम आती है मेरे प्यार से, शायद कुछ लोगों को पता होगा जिन्होंने पुराने वीडियोस देखे हैं, मेरा प्यार गोवा। सो गोवा से आती है ये रम। और बिफोर वी टॉक मोर अबाउट दिस रम, लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन माय कलेक्शन टैग, जो मुझे बता रहा है कैबो बॉटल इन गोवा इन मार्च 2021, एंड आई हैव परचेज दिस बॉटल इन मार्च 2021 इटसेल्फ। सो जैसे ही पैक हुई और मैंने खरीद ली। सो अब हम बात करते हैं कैबो रम की। सो ये जो कैबो रम है, ये बनती है वाइट रम एज वेल एज कोकोनट लिक्योर से। सो यू नो, वैसे तो ये रम है, लेकिन ऐसे आप इसे कंसिडर कर सकते हैं एज ए लिक्योर ओनली, बिकॉज इसकी एल्कोहल स्ट्रेंथ है ओनली 21%। 750 ml की ये बॉटल है, इसकी प्राइस है 2000 रुपीज इन मुंबई महाराष्ट्र, लेकिन अगर आप ये बॉटल गोवा से लाते हैं तो आपको मिल जाएगी सिर्फ 625 रुपए, 625 रुपीज ओनली। आपने आई एम श्योर ऐसी बॉटल कहीं और भी देखी होगी। इस बॉटल का जो डिजाइन है और ये जो कैबो रम है, ये इंस्पायर्ड है एक कैरेबियन रम से जिसका नाम है मेलिबू। तो आपने आई एम श्योर मेलिबू का नाम सुना होगा, काफी फेमस वाइट रम है मेलिबू, अगेन दैट इज ऑल्सो कोकोनट बेस्ड रम ओनली। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर यूज हुए हैं ग्रेन स्पिरिट, वाटर, देन नेचुरल कोकोनट एक्सट्रैक्ट। अगर मैं इसको आपको सादे मतलब सिंपल दो इंग्रेडिएंट्स बताना चाहूँ तो वाइट रम यूज़ हुई है, उसके साथ साथ में इसके अंदर कोकोनट लिक्योर यूज़ हुआ है। तो जो कोकोनट लिक्योर बना है दैट इज़ मेड फ्रॉम नेचुरल कोकोनट एक्सट्रैक्ट। तो चलो अब खोलते हैं इस प्यारी सी खूबसूरत सी बॉटल को। आई कीप दिस असाइड और इसे करते हैं ओपनिंग। काफी स्लिपरी सी बॉटल है ये, सो बी केयरफुल जब भी आप इसे ओपन कर रहे हैं। ओके, फाइनली ओपन हो गई थोड़ी सी मशक्कत के बाद में। सो लेट्स पोर। इतना काफी है हमारे रिव्यू के लिए फिलहाल। ऑलराइट, सो कलर की बात करें तो ऑफकोर्स क्रिस्टल क्लियर पानी जैसा कलर है, नो कलर एट ऑल। तो अब हम इसे नोज करते हैं। इसके नोट्स कोकोनट से भरपूर हैं, जैसे कि नारियल पानी में से जो आपको खुशबू आती है, सिमिलर काइंड ऑफ नोट्स आई एम गेटिंग ऑन द नोज। काफी स्वीट से नोट्स हैं, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग लाइक एल्कोहल का कुछ भी जो हार्शनेस या नोट्स होते हैं, ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है। Yep, so this is what I'm getting on the nose. अब हम इसे पीकर देख लेते हैं। Cheers, guys. Very sweet, I would say very, very, very sweet. तो
अगर इसे नीट पीने की बात करी जाए या फिर जैसे कि इसे रम के नाम से जाना जाता है, अगर आप एक रम समझ के इसको यू नो पी रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें आपको रम वाले फ्लेवर्स आने हैं, जी नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा स्वीट है। एज आई टोल्ड यू एट द स्टार्ट ऑफ द रिव्यू इटसेल्फ कि दो ये रम है बट इट इज़ प्रेटी मच काइंड ऑफ लिक्योर। तो इसका इस्तेमाल आई थिंक कॉकटेल बनाने में बेटर किया जा सकता है, जो काफ़ी फेमस कॉकटेल है पीना कोलाडा, वो बना सकते हैं आप इससे। एंड कमिंग बैक टू इट्स फ्लेवर, बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, कोकोनट का जो फ्लेवर है वो एक्सट्रीमली डोमिनेट कर रहा है इस रम को। I'll take another small sip. Yeah, मुझे मीठा इतना ज्यादा पसंद नहीं है और ये रम जो है वो काफी ज्यादा मीठी है। So guys, I don't think so, you know, one would like to take this rum neat. नीट पीना इज नॉट आई डोंट थिंक अ गुड आइडिया, बिकॉज ये इतनी ज़्यादा मीठी है कि आप इसे नीट नहीं पी पाएंगे। आई थिंक यू विल हैव टू गो विद सम सॉर्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक, सोडा ले लीजिए एंड उसके साथ में आप इस रम को पीना प्रेफर करेंगे या फिर पीना पसंद करेंगे। सो आई वुड से यू नो अच्छी है, बट दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ ड्रिंक जो आप रेगुलर पीना पसंद करेंगे। आप इसे कभी कभार पी सकते हैं, जैसे कि यू नो आपके लिक्योर होते हैं बेलीज जो है, जैसे कि आप यू नो काइंड ऑफ डिजर्ट के तौर पे पीते हैं, सिमिलर वे में इसे भी पी सकते हैं। ऑलराइट, सो अब हम बात करते हैं हमारे गिव अवे के विनर्स की। तो हमारे सेकंड गिव अवे के जो पहले विनर है उनका नाम है रवि, एंड जो हमारी दूसरी विनर है उनका नाम है पूजा। सो रवि एंड पूजा, आई एम श्योर आप ये वीडियो देख रहे होंगे, सो प्लीज़ रीच आउट टू मी विथ योर कॉन्टैक्ट डिटेल एंड आई विल सेंड योर गिफ्ट हैम्पर्स टू योर एड्रेस। ऑलराइट, सो नाउ व्हाइल वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, हम आते हैं हमारे दारू तथ्य पे, अ फैक्ट अबाउट दारू। सो सिंस हम आज रम का रिव्यू कर रहे थे, आज का जो दारू तथ्य है वो भी रम से रिलेटेड है, को इंसिडेंटली कह लीजिए। ऐसे दारू तथ्य आपको आगे आने वाले हर वीडियो के अंदर मिलते रहेंगे। सो आज का जो दारू तथ्य है वो ये बताता है कि जो रम है ये रम आपके हेयर फॉल को रिड्यूस कर सकती है, पीना नहीं है सर। सो इन 1800 सेंचुरीज लोग रम का इस्तेमाल करते थे हेयर फॉल को कम करने के लिए, हेयर की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, डेंसिटी को बढ़ाने के लिए रम से बालों को धोया जाता था। तो अगर आप ऐसी कोई परेशानी का सामना कर रहे हैं तो एक बार ट्राई करके देख लीजिए, मैंने नहीं करा है, जो भी रिजल्ट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे भी बता दीजिएगा। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब योर वेरी ओन चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, चीयर्स।